एसएसपी एटा सुनील कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के समय जहां 25 मार्च से 16 जून तक एटा पुलिस ने सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 आईपीसी के तहत लगभग 600 मुकदमों में करीब 1600 आरोपियों को पकड़कर अलग अलग धाराओं में चालान किया है। वहीं लॉकडाउन के दौरान 1,05,000 वाहनों को चेक किया गया, जिसमें से 16,000 वाहनों का चालान व 400 वाहनों को सीज किया गया है। चालान करने वाले वाहनों से लगभग 63,71,950 रुपए का संबल शुल्क वसूला गया है। और संबल शुल्क वसूला गया है, तो किस तरह की कार्रवाई की गई है और आगे क्या आगे जारी रहेगी? जनपद एटा में लॉकडाउन के प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इस दौरान लगभग 600 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 1600 व्यक्तियों के लगभग आरोपियों का चालान अलग अलग धाराओं में किया गया है जो लॉकडाउन के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं। एनपी एक्ट की शर्तों का जो उल्लंघन कर रहे थे, लगभग 1,05,000 वाहन चेक किए गए थे, जिनमें 16,000 वाहनों का चालान हुआ है, 400 से अधिक वाहन सीज किए गए हैं और लगभग 64 लाख रुपए के समन शुल्क की धनराशि जुर्माने के इन जो उल्लंघन करता है इनसे वसूल कर लिए। अभी ये कार्रवाई लगातार शासन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनके अनुपालन में आगे भी कार्रवाई जारी। एटा के आरागढ़ से एक अनोखी घटना सामने आ रही है। यहाँ पर बेटे की शादी में न्योता न देने की वजह से एक पिता के साथ मारपीट की गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जो ये आपके पैर में लगी हुई है, कैसे क्या लगी हुई है, किसने क्या किया है? झगड़े से लगी हुई है। झगड़े से? किसने, किससे झगड़ा हुआ है आपको? महेश डॉक्टर से। किस बात को लेके झगड़ा हुआ है? अच्छा, जो महेश डॉक्टर हैं वो आपसे बोल रहे थे कि आप अपने लड़के की शादी पूरे गांव के लिए करो, तो आपने मना कर दिया, ऐसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है? दारू तो लोग पीते हैं, दारू पी के झगड़ा हुआ है। अच्छा, आपके घर पे आए थे दारू पी करके? लड़का मेरा यहाँ नहीं था, वो दिल्ली था, निकलने का मौका देख करके उन्होंने भाई फायदा उठा लिया मुझसे। अच्छा, आपके साथ मारपीट की? मारपीट किया मेरा। क्या नाम है आपका? किशन पाल। जिन लोगों ने मारपीट की थी उन लोगों के नाम मालूम है आपको? जानती, थोड़े थोड़े नाम जानती, लेकिन डबल डबल नाम है, लेकिन सुंदर नाम हो तो आदमी जाने। कौन सा गांव है आपका? बिंदा है। थाना कौन सा लगता है? जिला एटा है। एटा से एके डी न्यूज ब्यूरो, राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट।